हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ बुल्टी, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं अद्या ऑर्थो क्लिनिक मिठुन की ड्रेसिंग करवाने के लिए। सर्जरी के एक हफ्ते के बाद मिठुन की ड्रेसिंग करवानी होती है, डॉक्टर ने बोला था। तो इसलिए हम यहाँ पे अद्या ऑर्थो क्लिनिक में आए हैं। यहीं पे अपॉइंटमेंट ले लिया था, अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है तो इसलिए हम लोग बाहर रुके हुए हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे क्राउड कम होगा तो हम अंदर जाएंगे। और इसी डॉक्टर के पास हमने पहले ही चेकअप कराया था, इन्हीं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर का नाम श्याम सुंदरम है, ये ऑर्थो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और पहले हमने यहाँ पे ही चेकअप कराया था, सर्जरी से पहले हमने यहीं पे डॉक्टर के पास चेकअप कराया था। ये डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है। और उसके बाद ही चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने अपोलो स्पेक्टर में हमें बोला, रेफरेंस दिया कि वहीं पे सर्जरी करवाएंगे। बट यही डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर श्याम सुदम वही डॉक्टर करेंगे वहाँ पे अपोला में जाके। तो हमारा यहाँ पे आज ड्रेसिंग का दिन था, तो अच्छे से ड्रेसिंग हो चुका है और हम लोग बाहर आ चुके हैं हॉस्पिटल से। जितना डॉक्टर हॉस्पिटल से दूर रहे उतना बेस्ट है। और यहाँ पे बस नारियल पानी पी रहे हैं, मिठुन को पीना था तो ज़्यादातर फ्रूट और हेल्दी सब जूस खाने के लिए बोला है, प्रोटीन सारे। तो बस यहाँ पे हम लोग ओला बुक कर चुके हैं, ऑटो आ ही रहा होगा। तो तब तक हम यहाँ पे अपना कोकोनट वाटर इंजॉय कर रहे हैं। हमारा ऑटो आ चुका था, फिर उसके बाद हम घर आ चुके। घर आने के बाद मैं फ़्रेश हो गई और यहाँ पे कुकर में चावल चढ़ा दिया है और दाल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे बस मैं झींगे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हमारे बंगाल में बहुत ही फेमस है झींगे पोस्तू की सब्ज़ी, तो वही मैं आज बना रही हूँ। बिल्कुल सादा है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है झींगे पोस्तू की सब्ज़ी। हम लोग बंगाल में उसे झींगे पोस्तू को बोलते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ आज। और हम लोग बराबर बिल्कुल लगभग टाइम पे घर पे आ चुके थे। अगर ज़रा सा भी टाइम लेट होता तो बस हम भीग जाते थे लिटरली, क्योंकि हम छतरी भी नहीं लेके गए थे। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो गया है बाहर। बहुत ज़्यादा हल्की हल्की नहीं, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है ज़ोर ज़ोर से। और यहाँ पर बस अपने सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक टमाटो लिया है, दो ग्रीन चिली ले लिया है, दो या तीन ग्रीन चिली ले लिया है क्योंकि मुझे दाल को भी तड़का लगाना है। और यहाँ पे तीन बटाटा लिया है लेकिन मुझे लगता है दो बटाटे में हो जाएगा, तो मैं दो बटाटा यूज़ करूँगी। और इस झींगे को मैं पिल ऑफ कर लूँगी। ये वाला झींगा है ना, थोड़ा पिल ऑफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पिल ऑफ़ का जो नाइफ़ है वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो इसकी वजह से इसमें अटक जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पिल ऑफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा पहला वाला जो पिल ऑफ़ का मशीन नाइफ़ था ना, वो बहुत ही अच्छा था, उसमें तुरंत निकल जाता था। पर ये वाला अच्छा नहीं है उतना, बट क्या करूँ, लास्ट वाला मैंने बॉम्बे में लिया था, मुझे उसको लेने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा फिर। और यहाँ पे मैं अपने सारे सब्जियों को फिर कट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे सब्जियों को कट करने के बाद मैं इसे हमेशा पानी में डुबो देती हूँ ताकि उसमें से जितना भी अगर कुछ गंदा हो तो निकल जाए। और सारे सब्जियों को मैं पहले कट कर लूँगी और फिर धो के फिर निकाल लूँगी। और क्लिनिक में भी सब कुछ ठीक से ही था, लेकिन ड्रेसिंग करने के बाद मिठुन जब घर पे आए ना, उसके बाद हल्का हल्का पेन चालू हो गया। क्योंकि ड्रेसिंग करते वक्त ना पूरा जो सर्जरी जिस जगह पे किया है ना, वहाँ पे स्टिचेस दिए हैं, तो वो स्टेपलर वाले स्टिचेस है। तो जब ड्रेसिंग डॉक्टर ने किया था ना, तो पूरा वो पेन जो है ना पूरा हिल गया था। तो इसीलिए अभी बहुत मींस धीरे धीरे पेन बढ़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को कॉल करूं, लेकिन मैंने दवाई तो दे दिया है, देखूंगी 2 से 3 घंटे तक ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी जब हम हॉस्पिटल से आए थे तभी भी मिठुन को हॉस्पिटल से आने के बाद, हमारा घर जो है वो रूम ऊपर 2nd फ्लोर में, तो इसलिए मिठुन को 2 फ्लोर तक
चल के आना पड़ा था। तभी भी हॉस्पिटल के आने के बाद पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर भी दवाई देने के बाद मैंने डॉक्टर से बात कर लिया था उस वक्त भी। दवाई देने के बाद भी मिठुन का जो पेन है वो बहुत ही हद तक कम हो गया था। तो इसीलिए मैंने हॉस्पिटल मीन्स क्लिनिक से आने के बाद भी आज भी मैंने दवाई दे दिया है, अच्छे से दवाई ले लिया है मिठुन ने और रेस्ट कर रहे। आई होप सो कि उनका पेन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए, और लिटरली सच में कम भी हो गया था कुछ ही देर में, मीन्स 1-2 घंटे में कम हो गया था। एक्चुअली जितना पैर को हम हिलाते हैं ना उतना ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने पपी सीड को जो खसखस है उसे भिगो के रख दिया था 1/2 घंटे तक, और उसमें अदरक और 2 ग्रीन चिली ऐड कर दिया ताकि उसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता, कलौंजी, जीरा, सूखी मिर्च ले लिया और दालचीनी ले लिया है। और बस अब सब्जी बनाने की रेडी तैयारी हो चुकी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और यहाँ पे तेज पत्ता, दालचीनी और नॉर्मल जीरा और कलौंजी डाल दे रही हूँ। कलौंजी से ना झींगे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे अदरक सॉरी यहाँ पे मैंने बटाटा ऐड कर दिया है। तो बटाटे को मैंने स्टेप क्यूब शेप में कट किया है, झींगे में इस तरह का ही बटाटा क्यूब शेप में कट किया हुआ जाता है और जल्दी पक भी जाता है, तो इसलिए टाइम नहीं लगता क्योंकि झींगा बनाने में ज़्यादातर वक्त नहीं लगता, वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। इसीलिए बटाटे को भी उसी तरह छोटे छोटे शेप में मैंने कट किया है। और झींगा जितना भी बड़ा कट करो ना वो हमेशा गल ही जाता है, आई होप सो आप भी अग्री करोगे। तो यहाँ पे बस बटाटा डालने के बाद यहाँ पे मैंने झींगों को भी डाल दे, तो दोनों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी हल्का और स्लो फ्लेम में रख के। तो इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हल्का फ्राई भी कर लिया है, देखिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और उसके बाद जो मैंने एक पेस्ट बनाया था खसखस अदरक और हरी मिर्च के, तो यहीं पे उसी का अच्छा सा पेस्ट डाल दिया है और एक हरी मिर्च भी डाल दिया। इसे ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे भी स्लो फ्लेम में रख के मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकने रखूँगी ताकि खसखस जो वो भी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी, आपके पास अगर देसी घी हो ना तो वो डालिए। झींगे पोस्तू में मीन्स खसखस की जो भी सब्ज़ी बनाए ना बहुत ही अच्छी लगती है। और हल्का सा मैंने चीनी डाल दिया है ताकि मिठास आ जाए, पोस्तू की जो कोई भी सब्ज़ी बनाए ना उसमें मीन्स खसखस की कोई भी सब्ज़ी बनाए ना उसमें मिठास होना तो बहुत ही अच्छी लगती है। एक तो खसखस जो है ना वो दूध का फ्लेवर देता है, तो इसके वजह से उसमें तो हल्का सा चीनी ऐड कर दिया जाए ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया है, इसे बिल्कुल ड्राई बनाने वाली हूँ ज़्यादातर, मीन्स ज़्यादा गीला ग्रेवी नहीं रखूँगी, बिल्कुल थिक ग्रेवी रखना है। और यहाँ पे मैंने पकने रख दिया है, तो बस इसमें 1/2 कप में पानी डाल चुकी हूँ और इसे अब स्लो फ्लेम में रख के मैं स्लो या मीडियम फ्लेम में रख के इसे ढक के मैं पकने रख दूँगी ताकि अच्छा सा पक जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैं लीड निकाल लिया है और यहाँ पे हमारा झींगा पोस्तू जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैं 2-3 आलू गला के देख लूँगी ताकि हमारा सब्जी पक चुकी है, वो चेक कर लूँगी। और 2-3 वैसे भी मैं सब्जी में आलू गला लेती हूँ ताकि ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। और हमारी बिल्कुल यमी और टेस्टी झींगा पोस्तू की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख के ही मुँह में पानी आ जाता है। और लिटरली सीरियसली बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसके साथ मूंग की दाल बनाया था मैंने, बहुत ही अच्छी लगती, झींगा पोस्तू, दाल और चावल, बस सिंपल खाना और कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा झींगा पोस्तू बिल्कुल रेडी हो चुका। आई होप आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस चैनल को और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।